हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे नेचर ऑफ द सिस्टम के बारे में जानेंगे, एडिशन ऑफ पोल एंड जीरो का क्या इम्पैक्ट होता है सिस्टम की स्टेबिलिटी पे, उसके बारे में भी चर्चा होगी। सो नेचर ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल समझिएगा मेरी बात ध्यान से। एक हम रूट लोकस प्लॉट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने तीन पोल ले लिए किसी सिस्टम में लाइक दिस, और इसके लिए रूट लोकस प्लॉट किया। यदि आप रूल फॉलो करके सारी चीज़ें बनाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ रूट लोकस ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करेगी, एन आर एल नो रूट लोकस, इन दोनों के बीच में रूट लोकस ब्रांच एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे नहीं करेगी और फिर यहाँ पे भी करेगी, ठीक है सर। चलिए, अब चूँकि इसमें थ्री पोल्स है सिस्टम में, तो जब आप एसिम्प्टोट्स निकालेंगे तो एसिम्प्टोट्स का जो नंबर रहेगा बेटा वो तीन रहेगा, यानी कि जो एंगल्स रहेंगे आपके एसिम्प्टोटिक एंगल्स वो भी तीन रहेंगे, 60, 180 एंड 300, ये तीन रहेंगे। और 60 और 300 की जब बात करेंगे, और मान लिया कि इसका सेंट्रोइड यहाँ कहीं है, लेट्स टेक यहाँ, चलो कहीं भी सेंट्रोइड है, इसका मतलब ये है कि एक 60 डिग्री पे लाइन है, मैं कैलकुलेट कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, माना कि सेंट्रोइड यहाँ पे है, लेट्स टेक लाइक दिस, और 180 की लाइन तो ये है ही, तो ये वाला पोल्स तो अपनी इस दिशा में चला जाएगा, कहाँ पे, के इक्वल टू इनफाइनाइट पे, कहाँ से शुरू होता है बेटा, के इक्वल टू जीरो से। ये दोनों पोल, ये इधर बढ़ेगा ये इधर बढ़ेगा, एक जगह ब्रेकअप पॉइंट रहेगा और उसके बाद ये इस एसिम्प्टोट के सहारे इधर निकल जाएगा और ये वाला इस एसिम्प्टोट के सहारे इनफाइनाइट पे निकल जाएगा, और इसको हम बड़े हैप्पीली कह देंगे दिस इज द रूट लोकस डायग्राम ऑफ द गिवन सिस्टम। अब नेचर ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या बेटा, जब आपने टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, जो कि आपको पक्का याद होगा, तो आपने दो तीन चीज़ें देखी थी वहाँ पे, ठीक है। और दो तीन चीज़ें मतलब क्या, आपने सिस्टम के बारे में कंक्लूड किया था अनडैम्ड सिस्टम, अंडरडैम्ड सिस्टम और वो सारे, तो एक बार फिर से उन्हें रिकॉल करते हैं। आपने देखा था सबसे पहले अनडैम्ड सिस्टम, यस और नो बताइए। अनडैम्ड सिस्टम में आपने क्या देखा था बच्चे, कि जीटा की वैल्यू है जीरो, कंप्लीट नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन, और जब इसके पोल्स निकाले थे आपने तो वो आए थे प्लस माइनस जे, यानी कि कंप्लीट इमेजनरी पोल्स। क्या है भाई, कंप्लीटली इमेजनरी पोल्स, ठीक है। यस सर, इतनी बात समझ में हमें आती है। जब आप इसके बाद अंडरडैम्ड की बात किए थे, किसकी, अंडरडैम्ड की, तो अंडरडैम्ड में आपने क्या किया था देखिए जरा, अंडरडैम्ड ने आपने जीटा की जो रेंज रखी थी कि सर जीटा जीरो से एक के बीच में रहेगा, और जब आप पोल निकाले थे तो पोल क्या आए थे, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन वन माइनस जीटा स्क्वायर लाइक दिस, ये कुछ आया था, है ना। तो ये पोल्स कैसे हैं, माइनस प्लस जे ओमेगा, यानी कि ये तो कॉम्प्लेक्स रूट कहलाएं, तो यहां पे आपके क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये कॉम्प्लेक्स पोल्स कह लीजिए। चलिए, इसके बाद आपने देखा था क्रिटिकली डैम्प सिस्टम, और क्रिटिकली डैम्प सिस्टम के लिए क्या आया था बेटा, जीटा की वैल्यू आई थी वन, और जो पोल आए थे वो रिपीटेड पोल थे, फिर रिमेंबर सी माइनस जीटा ओमेगा एन, सो माइनस जीटा ओमेगा, इस टाइप के टू पोल्स थे साहब। तो ये क्या देख रहे हैं, रियल पोल्स, और जो कि रिपीटेड हैं, है ना, रिपीटेड रियल पोल्स, समझ में आया। और आपने एक और कंडीशन देखी थी और उसको बोला था ओवर डैम्ड सिस्टम, और ओवर डैम सिस्टम के लिए बेटा जीटा ग्रेटर देन वन कंडीशन थी आपकी, और इसमें जो पोल्स आपने देखे थे वो देखे थे माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस वन, वैसे तो करेक्ट है बट कुछ इधर उधर है तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या इस टाइप के क्या पोल आए, एक नियर टू ओरिजिन, एक अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये जो दो पोल्स आए बेटा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस करोगे तो एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा,
यहां पे देखोगे तो ये रिपीटेड पोल्स है भाई साहब। रिपीटेड पोल्स मतलब रिपीटेड रियल, नेगेटिव रियल एक जगह पे कुछ ऐसे आ जाएंगे। आप यहां पे देखोगे तो यहां पे इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है, दे आर नथिंग बट द इमेजिनरी रूट्स, और कौन से LHS में है, इस टाइप के। आप जब इसकी बात कर रहे हो तो आपके पास प्योरली इमेजिनरी रूट्स है बेटा, लाइक दिस ऑन द जे ओमेगा एक्सिस। ये चार टाइप के नेचर आपने देखे थे। अब रूट लोकस से भी आप देख के बता सकते हैं कि कहानी क्या है। अच्छा सर कैसे बता सकते हैं? देखो बेटा K की वैल्यू, इसको ध्यान से देखना, K की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट हो रही है और उसी बीच आपका रूट लोकस आपके पोल से 0 तक जा रहा है। सिमिलरली यहाँ भी K इक्वल टू 0 है, जहाँ से भी जर्नी स्टार्ट हो रही है वहाँ K इक्वल टू 0 है। तो K इक्वल टू 0 से ये पॉइंट तक, जहाँ जब तक वो ब्रेक नहीं हुए, ध्यान से सुनना मेरी बात। K इक्वल टू, मान लो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे K इक्वल टू 25 हुआ, सुनिए ध्यान से, ये मान लिया मैंने, आई एज्यूम्ड। तो क्या कहानी घट रही है कि केस जब तक 25 नहीं हुआ तो क्या क्या हो रहा है कि भाई यहाँ भी पोल है, ये यहाँ भी पोल है, इसका भी पोल है, कुल मिला के पोल्स का जो नेचर है, एक इधर है तो एक उधर है वाली बात हो रही है। तो एक इधर है एक उधर है, यानी कि दो टाइप के पोल कहाँ मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओवर डैम पे। तो आप इसको देख के हैप्पीली बोलोगे कि के की वैल्यू 0 से लगा के 25 के बीच में सिस्टम ओवरडैम्ड है, यही सिस्टम का नेचर प्रिडिक्ट कर दिया आपने। अब आप देखो इट के इक्वल टू 25, दो पोल मिल गए ना, क्योंकि मिलेंगे उसके बाद ब्रेक होंगे। तो ये के इक्वल टू 25 पे, एग्जैक्ट 25 पे क्या हो रहा है आपके साथ, आपके साथ दोनों पोल्स एक जगह पे आ गए, और दोनों पोल्स एक जगह किस में आते हैं भाई, क्रिटिकली डैम सिस्टम में। तो K इक्वल टू 25 पे आप स्ट्रिक्टली बोलोगे कि दिस इज नथिंग बट द क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम, बोलोगे आप बिंदास बोलोगे, कोई रोक टोक नहीं है आपको। उसके बाद देखो आप ये K 25 से जे सही खत्म हुआ, उसके बाद एक पोल इधर है और दूसरा पोल इधर है, और वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में चले गए, मतलब इमेजनरी पार्ट भी आ गया और रियल पार्ट भी आ गया, दिख रहा है सर, इतनी आसान बात है, एक पोल यहाँ है तो एक पोल यहाँ है। और सपोज इस पॉइंट पे यहाँ पे K की वैल्यू 200 है, ये मैंने अज्यूम कर ली, तो आपके लिए क्या कहानी बन गई कि सर K की वैल्यू 25 से 200 के बीच में ये अंडर डैम्ड सिस्टम हुआ। कौन सा अंडर डैम्ड, क्योंकि K 25 से 200 तक जा रहा है ना, उस बीच ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और कॉम्प्लेक्स रूट्स इज नथिंग बट द अंडर डैम्ड सिस्टम। अच्छा सर, अब K इक्वल टू 200 एग्जिट पे क्या सिचुएशन बन रही है? सर सिचुएशन ये है कि एक पोल यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, और ये प्योरली ऑन द इमेजिनरी एक्सिस है, मतलब दिस इज नथिंग बट अंडर डैम्ड सिस्टम। मजा आ गया सर, चार चीज़ें हमने देख ली कि यदि हमारे पास रूट लोकस हुआ तो हम बता सकते हैं ओवर डैम, अंडर डैम, क्रिटिकली डैम्ड और अनडैम सिस्टम के बारे में। तो यानी कि आप सिस्टम के नेचर के बारे में बता पाओगे। नेचर बोले तो सर ऑसिलेशन है, कंप्लीट ऑसिलेशंस हैं, नेचुरल ऑसिलेशंस है, डिके ऑसिलेशन है, कोई ऑसिलेशंस ही नहीं है, नेचर आप बता पाएंगे। समझ गए बात, क्वेश्चन लेता हूँ मैं इस पर बेस्ट। चलिए क्वेश्चन ले लिया मैंने, 194 नंबर हो गया। द रूट लोकस प्लॉट फॉर अ सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है शोन इन द फिगर, उसने बना के ही दे दिया 0-1 एंड 2 डायरेक्शंस के साथ, ये इधर डायरेक्शन, ये यहाँ मिलके बाहर निकल रहे हैं। ओके, द रेंज ऑफ के वैल्यू फॉर विच द सिस्टम इज अंडर डैम्ड, के की रेंज बताओ जिसके लिए सिस्टम अंडर डैम्ड है। यदि सिस्टम अंडर डैम्ड हुआ इसका मतलब कि रूट्स कैसे होंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। यानी कि इस पूरे डायग्राम को देखो, कॉम्प्लेक्स रूट कहाँ से कहाँ तक है सर, यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पॉइंट तक है ना, और इमेजिनरी पे एक्सिस पे पॉइंट्स जोड़े में आते हैं है ना। के की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक यदि निकाल लें तो अंडर डैम सिस्टम बन जाएगा। अच्छा तो चलो यहाँ पे के की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, और ये K की वैल्यू यहाँ पे जो निकालेंगे वो K से निकालेंगे, यही हमारा क्वेश्चन से हमें करना है।
चलो क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं। आपके पास k डिवाइड बाई एस एस प्लस वन और एस प्लस टू है भाई साहब, ठीक है। ओके जी एफ एस एच एफ एस हो गया। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कौन सा है कोई बताएगा? दिस इज नथिंग बट द ब्रेक पॉइंट और नॉट, यस दिस इज द ब्रेक पॉइंट। और ब्रेक पॉइंट पे के की वैल्यू निकालना है तो निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड कंडीशन से, बट ये पॉइंट तो पता चले, ये ब्रेक पॉइंट की वैल्यू तो पता चले, तो ब्रेक पॉइंट निकालना बड़ा आसान है। इसके लिए क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए, के फॉर्म में चीज़ों को रखिए, बाकी को अलग साइड रख दीजिए। चलिए मैं रख देता हूँ अलग साइड में। सो माइनस एस एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू, मल्टीप्लाई कीजिए एस क्यूब प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस टू एस इज इक्वल टू माइनस के। नाउ क्या करना, डिफरेंशिएशन करना है सर। सो डी के बाई डी एस इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो में माइनस साइन चला जाएगा, तो माइनस का लोड इसीलिए नहीं लेता मैं, है ना, ना आपको लेना है। दिस इज नथिंग बट थ्री एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ओके चलिए रूट निकाल देते हैं। सो इसका रूट निकालेंगे तो माइनस सिक्स प्लस माइनस, वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर इज नथिंग बट थर्टी सिक्स माइनस फोर ए सी, 4ac बन रहा है ना। सो 3 गुणा 2 यानी कि 6 गुणा 4, हाँ 6 गुणा 4 इज नथिंग बट 24 डिवाइड बाई 6, ओके नहीं 6 नहीं डिवाइड बाई 2a, हाँ 2a यानी कि 6। सो माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 इज नथिंग बट 12 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से रूट्स जब फाइंड करूंगे तो क्या आएंगे बताओ जरा, कैलकुलेटर से करता हूँ मैं। माइनस 1.57 माइनस 1.57, आइए देखते जरा कौन सा वैलिड है। माइनस 1. ये तो एनआरएल है तो इसके बीच में जो भी रूट आया है ब्रेक पॉइंट आया है वो वैलिड नहीं है। सो ये इनवैलिड हुआ। सो ब्रेक पॉइंट हुआ माइनस 4.22। ये पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे ब्रेक हो रहा है इसकी वैल्यू है, एस की वैल्यू यहाँ पे है माइनस 4.22। अब इस पॉइंट के लिए के की वैल्यू बाय मैग्नीट्यूड कंडीशन, नाउ बाय मैग्नीट्यूड कंडीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस एस एट एस इज इक्वल टू माइनस 0.42 इज इक्वल टू 1। अब एस की जगह माइनस 0.42 रख दीजिए, तो दिस इज नथिंग बट के माइनस 0.42 वन माइनस 0.42 टू माइनस 0.42 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से k की वैल्यू आ रही है 0.384। ये कैलकुलेट कर लीजिए और k की वैल्यू आ गई 0.384। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे k की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0.384। अब 0.384 ये भी है और ये भी है, दो कंडीशन है, ठीक है। अब हमें निकालना पड़ेगा कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हमारे राउथ हर्विट्ज़ टेबल से। तो हमारे पास ये है क्वेश्चन, जल्दी से निकाल लेते हैं। फॉर द इमेजिनरी के इज एस प्लस वन टू, से इधर करता हूँ। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इमेजिनरी एक्सिस पे, है ना। आपके पास है k डिवाइड बाई एस एस प्लस वन एस प्लस टू, राउथ हर्विट्ज़ से निकलेगी वैल्यू सर, बिल्कुल निकलेगी। या फिर सर थर्ड ऑर्डर का डायरेक्ट कर दो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ जल्दी से। सो एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो, एस क्यूब प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अब देखो जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज सिक्स इज इक्वल टू के। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्जिनल स्टेबल आएगा, यानी कि प्योरली इमेजिनरी रूट्स आएंगे, प्योरली इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, अंडर डैम चाहिए, तो के की वैल्यू बस सिक्स नहीं होना चाहिए, उससे नीचे बिल्कुल चलेगा। सो के की वैल्यू सिक्स से नीचे होना
और 0.384 से ऊपर होना, तब जाके ये क्या बनेगा बेटा, अंडर डैम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 195 में, सेम क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ के वैल्यू फॉर विच द सिस्टम एग्जिबिट्स नॉन ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स टू अ यूनिट स्टेप इनपुट, नॉन ऑसिलेटरी। अब आप खुद ही बताइए, इसमें इस जोन में ये क्वेश्चन है ना, चलिए यहीं लेते हैं ना, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऑसिलेशन मिलते हैं, बिल्कुल डीके ऑसिलेशन मिलते हैं। ये जोन जो है, ये जोन बोले तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का, यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, ऑसिलेशंस, ऑफ कोर्स डीके ऑसिलेशंस, किस टाइप के, ये डीके हो जाएंगे वक्त के साथ। यहाँ पे कौन से ऑसिलेशन मिलते हैं, नेचुरल ऑसिलेशन, सस्टेंड ऑसिलेशन, जो ख़त्म नहीं होते समय के साथ, नेचुरल ऑसिलेशन। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है नॉन ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स टू यूनिट स्टेप, कहाँ कहाँ है नॉन ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स, सर एक पोल यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से आया है, ये कंप्लीट नॉन ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स है सर। साथ में ये पर्टिकुलर पॉइंट क्रिटिकली डैम, जहाँ पे के इक्वल टू 0.384 है, यहाँ पे भी ऑसिलेशन नहीं मिलेंगे, ऑसिलेशन जस्ट इसके बाद मिलेंगे, तो कह सकता हूँ कि के की वैल्यू जो जीरो है ना, के की वैल्यू जीरो से 0.384 तक तो आपका ओवर डैम सिस्टम है, और 0.384 को भी शामिल कर लो तो क्रिटिकली डैम सिस्टम हुआ, वो क्रिटिकली डैम्ड और ओवर डैम सिस्टम ये है ना, क्रिटिकली डैम प्लस ओवर डैम वाला नेचर, और इन दोनों पे ऑसिलेशंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जीरो ऑसिलेशंस होते हैं, और क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि नॉन ऑसिलेशंस होने चाहिए, तो इसका मतलब हमें ये वाला आंसर करना है कि 0.384 को भी कंसिडर कीजिए, इकलौता 0.384 नहीं चलेगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में नहीं रहना एग्जामिनेशन में, ठीक है। ओके, अब आगे जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे ना इत्मीनान से, ठीक है, कोई तुक नहीं बनता कि सड़ी सी बात को मैं 3-4 लेक्चर में आपको बताता फिर हूँ, ये आपके साथ कातिलाना वो हो जाएगा मेरी तरफ से व्यवहार, क्योंकि हमें समय बचाना है, एग्जामिनेशन में सोचना है उस हिसाब से। अब हम चर्चा करेंगे एडिशन ऑफ पोल्स एंड जीरोस इनटू द सिस्टम। चलो आपके सामने मैंने तीन क्वेश्चन लिए, इसमें एक पोल है, फिर हमने एक्स्ट्रा पोल ऐड कर दिया और उसमें फिर एक एक्स्ट्रा पोल ऐड कर दिया, यानी कि एडिशन ऑफ पोल्स एंड जीरोस में पोल्स एडिशन देखते हैं कि रूट लोकस पे क्या असर पड़ता है, रूट लोकस को देख के हम बता देंगे कि सिस्टम की स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ता है। चलिए पहले इसका क्रियाक्रम करते हैं हम जरा, सो हियर इट इज, ये लीजिए पोल कहाँ है, -1 पे, सो हियर इट इज -1, इसके इधर रूट लोकस ब्रांच है क्या, नहीं, इसके इधर है सिर्फ और सिर्फ एक पोल है, तो इस लाइन के थ्रू कहाँ पहुँचना है इसको, अपने जीरो के पास, यानी कि के इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ओपन लूप जीरो पर जो कि इन्फाइनाइट पे अवेलेबल है, वहाँ पहुँच जाएगा, रूट लोकस ख़त्म हुआ, आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस, सो हियर इट इज, चलो नंबर ऑफ पोल्स आपका एक -1 पे है, एक -2 पे है, ठीक, क्या हुआ जरा देखें, इसके इधर कुछ नहीं है और यहाँ से यहाँ बिल्कुल ये है, वेट अ मिनट, ये अब दो पोल हैं तो भाई एक इधर बढ़ेगा, एक इधर बढ़ेगा, एक इधर, और दोनों एक जगह मिलेंगे और फिर ब्रेक होंगे, और इन्हें कहाँ जाना है, इन्हें जाना है अपने जीरो से मिलने, एट इन्फिनिटी, ओके, तो हम एसिम्प्टोट्स दो रहेंगे, सो एसिम्प्टोट का सेंट्रोइड भी पता कर लेते हैं भाई, चलिए सेंट्रोइड फ्रॉम दिस क्वेश्चन वुड बी -1 -2 -1 दिस बाय 2, सो दिस इज नथिंग बट -1.5 -1.5 मीन्स सम हाउ हियर, और 2 आपके एसिम्प्टोट्स हैं तो 90 और 270 वेरी वेल, तो चलिए ये रहा यहाँ पे, तो अभी मैं एकदम प्योर टाइप का मान लेता हूँ कि ये यहाँ आया, कलर यही लेना पड़ेगा, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, और ये टूट के इधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है, लाइक दिस, समझ गए बात को, लेट्स कम ओवर हियर, तीसरा फिर कंक्लूजन करेंगे अपन, सो ये तीसरा बना रहा हूँ,
here it is. So minus 1, minus 2, minus 3, root locus on the real axis, यहाँ पे नहीं है, इन दोनों के दरमियाँ बिल्कुल होगा, इन दोनों के यहाँ पे यहाँ बिल्कुल होगा, ठीक। एसिम्प्टोट्स निकालेंगे, तो कितने एसिम्प्टोट्स आएंगे बेटा, 3, है ना, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स आए हैं 3, तो एंगल भी आएंगे ना बेटा, यस एंगल आएंगे 60, 180 एंड 300, तीन एंगल आ गए आपके पास। सेंट्रोइड भी निकाल लेते हैं, चलिए सेंट्रोइड माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 डिवाइड बाई 3, दिस इज नथिंग बट माइनस 2, सो माइनस 2 सेंट्रोइड भी आ गया। तो अब सेंट्रोइड से 60 डिग्री की लाइन गई, सेंट्रोइड से ही 300 की लाइन गई, और सेंट्रोइड से ही 180 की लाइन गई, तो 180 के साथ तो ये वाला पोल चला गया अपने गंतव्य पे। ये दोनों एक जगह यहाँ पे मिले, और मिलने के बाद टूट के ये इसके थ्रू चले गए यहाँ। अब ज़रा देखो स्टेबिलिटी के बारे में कंक्लूजन होगा, ये देखो प्योरली स्टेबल। आपने बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा कि आपके जो पोल्स हैं जितने ज़्यादा इमेजिनरी एक्सिस की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और पोल्स जो हैं पोल्स आपके यदि इस साइड जाएंगे यानी कि जितना ज़्यादा LHS में जाएंगे क्या बढ़ेगी, आपकी स्टेबिलिटी इम्प्रूव होगी, स्टेबिलिटी इम्प्रूव। और यदि पोल्स आपके जो पोल्स हैं बेटा वो RHS में जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इम्प्रूव नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से देख लिया आपने कैसे कंपेयर करेंगे, जब हमने दो पोल दूसरा पोल ऐड किया तो आपके कॉम्प्लेक्स रियल एक्सिस से इधर भग गए भाई, इमेजिनरी क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हो गए, यानी कि अनस्टेबिलिटी ज़्यादा बड़ी, ऑसिलेशंस आ गए, यहाँ पे ऑसिलेशंस बिल्कुल नहीं थे, अब ऑसिलेशंस आ गए पोल ऐड करने से, और पोल ऐड कर दोगे तो वो आपके RHS में भी आ जाएंगे, देख लो यहाँ पे आ गया। जैसे ही तीसरा पोल ऐड किया आपके रूट्स इधर आ गए, और इधर आ गए मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट के बाद सिस्टम अनस्टेबल होगा, ये भी पता चल गया। ओवरऑल ये सिस्टम की बात करोगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो एडिशन ऑफ पोल से क्या होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, ये कंक्लूजन निकल गया। तो इस कंक्लूजन को लिख लो, पॉइंट लिख लिया कि एडिशन ऑफ द पोल्स इनटू द सिस्टम डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। क्या होता है, एडिशन ऑफ पोल करने से पोल्स मूव टुवर्ड द इमेजिनरी एक्सिस, और इमेजिनरी एक्सिस की तरफ पोल जितना जाएगा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ जीरोस की, देखिए ये तीनों हम देख चुके हैं ना, अब हम जीरो ऐड कर देते हैं। चलिए इसमें मैं ऐड करता हूँ एस प्लस टू, एक जीरो ऐड कर दिया, तो आइए इस जीरो के ऐड करने से क्या घटना घटेगी। ओके सो एस इज इक्वल टू माइनस वन, सो हियर इट इज माइनस वन, और ये है आपका माइनस टू। सिंपल सा ये है आपका रूट लोकस डायग्राम ऑन द रियल एक्सिस, कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट आपके पोल के लिए पाथ मिल गया, के इज इक्वल टू जीरो यही है, के इज इक्वल टू इन्फिनिटी ये रहा, सिस्टम स्टेबल हुआ, लेकिन इससे रियलाइजेशन नहीं होगा, इधर हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे एक पोल ऐड किया एस प्लस थ्री, सॉरी जीरो ऐड किया एस प्लस थ्री, ठीक है रूट बनाते हैं। सो दिस इज नथिंग बट माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री। आइए रूट लोकस की बात कर लेते हैं, तो रूट लोकस ये यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, जी इन्फिनिटी से यहाँ आएगा, ठीक है। और जब इसका हम बनाएंगे तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोल्स टूटेंगे, और टूट के कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, एक सर्कल बन जाएगा। ये पोल आए इधर से आपके, यहाँ पे मिले, एक पोल इधर निकल लेगा और दूसरा पोल इधर निकल लेगा। तो अब ज़रा कंपेयर करो, ये जो इमेजिनरी एक्सिस पे जा रहे थे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, अब ये क्या हुए, ये निकले तो सही, नो डाउट एट ऑल, ये कॉम्प्लेक्स में एंट्री किए, लेकिन इस पोल के असर ने, इस जीरो ने जो आप ऐड किया, तो इनने क्या किया, इन पोल्स को वापस रियल एक्सिस पे लाके खड़ा कर दिया,
और रियल एक्सिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव लाके खड़ा कर दिया, स्टेबिलिटी बढ़ा दी कुल मिला के, ठीक है। अच्छा सर, वास्तविक तरीके से समझ में आ गया ये, यहाँ पे, यहाँ पे मैं एक जीरो ऐड कर देता हूँ, एस प्लस फोर, ठीक। आइए तो फिर करते हैं और समझते हैं सर। सो दिस इज नथिंग बट माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और यहाँ पे तो है आपका ज़ीरो, दिस इज नथिंग बट ज़ीरो जो कि है फोर पे। इन दोनों के दरमियान अवेलेबल रहेगा रूट लोकस, जी हाँ, यहाँ पे नहीं और यहाँ पे रहेगा, ठीक है, समझना ध्यान से। इन दोनों के दरमियान रहेगा, इन दोनों के दरमियान रहेगा और यहाँ नहीं रहेगा। अब इसमें आप देखो ज़रा, जो एसिम्प्टोट्स होंगे बेटा वो कितने होंगे सर? एसिम्प्टोट होते हैं पोल माइनस ज़ीरो, सो दिस इज नंबर थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू। सो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स भी निकालेंगे तो वो आएंगे 90 और 270। तो सर सेंट्रोइड की भी आवश्यकता लगी, सो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस प्लस फोर, डिवाइड बाई टू, ठीक। सो माइनस तीन, माइनस दो, माइनस पाँच, माइनस छः, प्लस फोर, माइनस टू, माइनस टू, डिवाइड बाई टू, इज नथिंग बट माइनस वन। सो माइनस वन पे आपका रहेगा एसिम्प्टोट, और एसिम्प्टोट जो है वो 90 डिग्री की कहानी बयां करेगा। तो ये जो पोल है ये तो यहाँ चला जाएगा, ये एक दूसरे में टूटेंगे 90 से और ये इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, दिस इज द सिचुएशन। अब देखो आप ज़रा ध्यान से, तीन पोल में ये सिस्टम अनस्टेबल था, जैसे ही एक जीरो ऐड किया उस जीरो ने क्या कर दिया, इनको, इन ब्रांचेस को धक्का दे दिया नेगेटिव रियल पार्ट में, यानी कि LHS में कर दिया। तो एडिशन ऑफ जीरोस की वजह से सिस्टम क्या हो जाते हैं, LHS में चले जाते हैं। आप रूट लोकस ब्रांच देख रहे हो, अब ये सिस्टम ऑलवेज स्टेबल सिस्टम बन गया, क्योंकि ये सिस्टम कभी भी इस साइट नहीं आएगा RHS में। ये कमाल किसने किया, एडिशन ऑफ जीरोस ने। सो एडिशन ऑफ जीरो ऑलवेज स्टेबलाइज द सिस्टम, तो नोट पॉइंट लिख लेंगे और इसको वाइंड अप कर देंगे। एडिशन ऑफ जीरोस पुशेस रूट लोकस टुवार्ड्स द LHS, hence system stability improves, system stability gets improved, ठीक है। Addition of zeros pushes the root locus towards the LHS, hence system stability gets improved, ठीक, okay, समझ गए। क्या निष्कर्ष रहा आज की क्लास का, stable आपके zeros और pole के add करने से क्या होगा और नेचर ऑफ द सिस्टम। अब अगली क्लास में भयानक क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हैं, चलिए अगली क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे हम। अभी हमने 194 क्वेश्चंस कर लिए हैं, नहीं 195 क्वेश्चन, तो अगली क्लास में हम कहाँ से मिलेंगे आपको, 196 से मिलेंगे।